हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं एक बहुत ही सुंदर फ्लावर वाला तोरण पट्टी का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं टू प्लाई की ऊन से बनाई हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर मैं अब बुन कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं 20 चेन, पहले मैं तोरण पट्टी के लिए 20 चेन यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं 20 चेन 20 चेन बना ली हूँ। अब मैं इसमें सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए, ये यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। बीच में एक चेन दे रही हूँ डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, उसके बाद से फिर डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ले रही हूँ। देखिए, इसी तरह से पूरे चेन में मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं दूसरे लाइन को बुन कर दिखा रही हूँ। 1 2 2 चेन बनाकर और फिर से मैं सभी में डबल क्रोशिया बना रही हूँ। सभी के सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और एक चेन दे रही हूँ गैप के लिए। देखिए इस तरह से, देखिए इतना मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फ्लावर बनाकर बता रही हूँ। देखिए इसी तरह से अब मैं इतना ही बुनी हूँ। देखिए तोरण पट्टी का अब मैं इसमें फ्लावर बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह से पूरा मैं तोरण पट्टी बुन ली हूँ इसी पैटर्न पे। तो यहाँ पे 3 चेन बनाकर और देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया में इस तरह से बुन रही हूँ 4 बार। यहाँ पे 4 बार बनाऊँगी ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 4 बार। अब 1 2 3 चेन बनाकर और 4 चेन यहाँ पर देखिए बनाकर और 1 2 बार इस तरह क्रोश में लपेट कर और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया में देखिए यहाँ पर 2 बार, ये तीसरा बार बुन रही हूँ, ये चौथा बार और ये 5वां बार। तो इस तरह से देखिए, और फिर मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी 1 2 3 चेन 4 चेन यहाँ पर, फिर से ट्रिपल क्रोशिया किनारे पे 2 बार मैं बुन रही हूँ। एक होल में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर सभी में एक एक बार। देखिए इस तरह से किनारे वाला होल में 2 बार मैं ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए इस तरह से 3 बार मैं बुन ली। अब मैं इसमें लॉक कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं लॉक कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए पीछे की तरफ से यहाँ पर मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ यहाँ पर। 1 2 3 3 बार भूनकर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 बार मैं बनाऊंगी यहाँ पर। 1 1 बार, ये 2रा बार और ये 3रा बार और ये 4था बार हो गया। अब यहाँ पर मैं चेन बनाकर और एक यहाँ पे घर छोड़कर 1 2 3, देखिए यहाँ पर एक घर छोड़कर और फिर से यहाँ पर मैं 4 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर बन गया ट्रिपल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पर इसके किनारे पे लॉक कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर लॉक कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशिया से, इस तरह लॉक हो गया। अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए इस तरह से सभी में मैं सिंगल क्रोशिया
बुन रही हूँ। सभी में मैं सिंगल कुर्सियाँ बना ले रही हूँ, देखिए इस तरह से। एक लाइन देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए इतना बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर और वहाँ से मैं बना ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ से मैं बनाऊँगी, देखिए 1 2 3 थ्री चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशिया तैयार करूँगी। देखिए सभी में मैं ट्रिपल क्रोशिया एक लाइन मैं बनाऊंगी, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर फ्लावर को शेप देने के लिए। तो देखिए मैं पूरा बुनकर दिखा रही हूँ, सभी होल में ट्रिपल क्रोशिया मैं बुन रही हूँ। चारों तरफ बुना जाएगा, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दे रही हूँ। देखिए मैं बुन कर दिखा रही हूँ पूरा कैसे फ्लावर बना रही हूँ मैं। सभी होल में देखिए यहाँ पर भी मैं बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए अब थोड़ा सा और यहाँ पर बुन दे रही हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कहाँ पर गैप छोड़ रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बीच में देखिए थोड़ा सा गैप छोड़ दी हूँ मैं। देखिए इस तरह से बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ी हूँ। अब किनारे पे फिर से मैं बना रही हूँ चेन, यहाँ पर देखिए बीच में गैप छोड़ी हूँ। 1 2 3 4 5 फाइव चेन बनाकर देखिए यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशिया से लॉक कर दी। अब दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये चौथा ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से देखिए इस तरह से फिर से फोर ट्रिपल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फोर यहाँ पर बनाकर फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ और फिर से फोर ट्रिपल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 देखिए इस तरह से 1 2 3 देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हो गया। देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गया, बीच में इतना गैप छूटा है। अब मैं फ्लावर को शेप बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 थ्री चेन बनाकर और फिर से देखिए ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा है ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा है, ये चौथा है, देखिए 4 बार, ये 5 बार ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पर 5 चेन बनाकर और सबसे पहले वाले चेन में मैं
सिंगल क्रोशिया से लॉक करके फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया 5 बार यहाँ पे बना रही हूँ। देखिए इस तरह से 5 बार मैं फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए अब बीच वाले 4 बनाए थे ट्रिपल क्रोशिया, उसमें बीच वाले में लॉक करके और 3 चेन बनाकर फिर से ट्रिपल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए 5 बार यहाँ पे फिर से ट्रिपल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, पहले वाले चेन में मैं इस तरह से देखिए लॉक कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशिया से, और फिर से मैं 5 चेन यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ। सभी फ्लावर को शेप इसी तरह से मैं बनाई हूँ। देखिए इस तरह से अब बीच वाले में 4 बनाए हूँ ट्रिपल क्रोशिया, तो बीच में लॉक करके सिंगल क्रोशिया से 3 चेन बनाकर फिर से 5 यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। सबसे लास्ट वाला अब फ्लावर का शेप बना रही हूँ। 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा, ये पांचवा। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और इस तरह से 1 2 और इस तरह से। फाइव यहाँ पर बनाकर देखिए पूरा फ्लावर बन गया। ये बनाना बहुत ही इजी है, आप बहुत ही आसानी से इसे बुन सकती हैं। देखिए मैं कितनी आसानी से बूंदी इसको। अब मैं इसे कैंची की मदद से कट कर दे रही हूँ। देखिए थोड़ा सा बुन कर इसे और कैंची की मदद से इसे मैं कट कर दे रही हूँ यहाँ पे धागे को। देखिए फ्लावर बन गया। अब मैं देखिए ये कंप्लीट हो गया फ्लावर, 6 पंखुड़ियाँ यहाँ पे मैं बनाई हूँ देखिए फ्लावर में। और देखिए अब मैं सुई के मदद से पंखुड़ियों को लॉक कर दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले मैं लॉक कर रही हूँ सुई के मदद से पंखुड़ी को, अब यहाँ पे लॉक कर रही हूँ। अब ऊपर लॉक करूँगी एक जगह ऊपर यहाँ पर, ये फ्लावर हमारा इधर उधर ना जाए, एक जगह रहे, तो इस तरह से मैं लॉक कर दे रही हूँ और पीछे की तरफ से बांध कर और कैंची की मदद से कट कर दे रही हूँ धागे को। और देखिए ये फ्लावर कंप्लीट हो गया और बीच में ये पीला ऊन से मैं फ्लावर का बीच का डिजाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं अब डिजाइन को, बीच वाले डिजाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं गांठ लगा ले रही हूँ और देखिए बीच में ये तुरंत पट्टी में से धागे को निकालूँगी, तुरंत पट्टी के में से देखिए इस तरह से धागे को निकाल रही हूँ। और इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 देखिए यहाँ पे, यहाँ पे और 2 और चेन 1 2 अपने देखिए यहाँ पे 12 चेन बना ली हूँ मैं। और देखिए फ्लावर के पंखुड़ी में इसे मैं लॉक करूँगी बीच में यहाँ पे देखिए इस तरह से, और लॉक करके सिंगल क्रोशिया से अब मैं इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी सभी में। देखिए जितना हो सके इसमें सिंगल क्रोशिया मैं बना रही हूँ और सिंगल क्रोशिया से इसे मैं पूरा बना दे रही हूँ। देखिए पूरे में सिंगल क्रोशिया से मैं इसको पूरा भर दी। अब मैं पीछे की तरफ धागे को लेकर बांध दे रही हूँ इस तरह से, देखिए इस तरह से इसे पीछे की तरफ से लेकर और धागे को इस तरह बांध दे रही हूँ। धागे को कैंची की मदद से कट कर दे रही हूँ। देखिए देखिए ये फ्लावर का बीच का भी डिजाइन बन गया। इसी तरह से मैं पूरे तोरण पट्टी में डिजाइन को कंप्लीट की हूँ, बनाई हूँ। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये तोरण पट्टी पूरा बन गया है और मैं अगले वीडियो में इस डिज़ाइन का तोरण बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।